हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम ही देश विदेश टॉपिक पे नए नए इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, उसी प्रकार दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ एक विदेश कंट्री के बारे में। हर कोई का सपना होता है कि विदेश जाए, अच्छा खासा पैसा और इनकम कमाए। दोस्तों मैं आज बात बताने वाला हूँ, विदेश जाने से पहले जब आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं किसी कंट्री को, हो चाहे बांग्लादेश के हों, चाहे किसी कंट्री के, यदि आप हैं इंटरनेशनल में, जब आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो भारी ब्रांच होती है। जैसे कि बम्बई की बात कर लिया जाए, बम्बई में या चाहे दिल्ली में, चाहे राजस्थान में, चाहे गोवा में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे किसी जगह भी आप अपना पासपोर्ट, चाहे किसी भी कंट्री के यदि हो, चाहे नेपाल के हो, चाहे कंट्री किसी का हो, जब आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं मेरे दोस्त, उस पासपोर्ट में अच्छी तरीके से लिखा रहता है कि विदेश जाने से पहले किसी काम को करने की गुण होना चाहिए, कोई काम सीख कर जाए। विदेश में किसी भी कंपनी की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, हमारा देश छोड़कर बाकी सब देश विदेश है, तो मैं विदेश की बात कर रहा हूं, किसी कंपनी में जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यदि आप काम करने जा रहे हैं तो परमिट वीजा लेना चाहिए, ये ना कि आप काम करने जा रहे हैं तो टूरिस्ट वीजा लेकर चले जाए, ऐसा दोस्तों ना करना चाहिए। फिर दोस्तों आपको ये गलती नहीं करना चाहिए कि आप टूरिस्ट वीजा लेकर किसी कंट्री में चले गए काम करने के लिए। टूरिस्ट वीजा एक ऐसा वीजा है जो घूमने का पर्पस से है। आपका पैसा यदि आप फंस गया वहां पर, वहां की पुलिस, वहां की सरकार आप पर कोई मदद नहीं करेगी, चाहे आप किसी भी कंट्री के हैं और विदेश चले गए काम करने के लिए, ठीक है दोस्तों। दूसरी नंबर बात जान लीजिए, किसी भी कंपनी में जा रहे हैं तो उस कंपनी को अपने इंडिया में रहकर ही पता करिए वो कंपनी अच्छी है कि फ्रॉड है, कि उस कंपनी पर बैन लग गया है। बहुत ऐसे लोग को हमने देखा है जो हमारे पास कमेंट करते हैं कि सर हम कंपनी में फंस गए हैं, या चाहे आप भी कुछ ऐसे वीडियो देखे होंगे जो रोते बिलखते नजर आते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि आप विदेश कंट्री में जा रहे हैं, किसी भी कंपनी में जाने से पहले उस कंपनी की बायो डेटा गूगल पे रहता है। गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, मैं बता दूं, सच्चाई से लेकर खराब तक बातें वहां सिखाई जाती है, ठीक है मेरे दोस्त। यदि आप विदेश कंट्री में जा रहे हैं किसी काम करने के पर्पस से, मैं दोस्तों घूमने के पर्पस से नहीं बता रहा हूं, केवल काम करने के पर्पस से जा रहे हैं, जब आप किसी एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है मेरे दोस्त, काम करने के पर्पस से जा रहे हैं, हमारी बात दोस्तों 100% एकदम मैं इंफॉर्मेशन आपको सही देता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी वीडियो को 4 लाइन बताने के लिए वीडियो बनाता हूं, नहीं दोस्तों, ऐसा कभी मत सोचिएगा। मैं यही सोचता हूं कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जहां जाए तो पैसा कमाए और अच्छा तरक्की करें, मैं केवल इसी पर्पस से वीडियो अपना तैयार करता हूं। जब आप पासपोर्ट बनवाते हैं तो उस साफ साफ लिखा रहता है जहां पर आप पासपोर्ट बनवाए होंगे, देखे होंगे कि विदेश जाने से पहले आपके पास एक गुण होना चाहिए, वो गुण के साथ साथ आपको काम आना चाहिए, तभी विदेश में जाए काम करने के चक्कर में, ठीक है दोस्त। और वहां पर यह भी साफ साफ लिखा रहता है, कंपनी में जाने से पहले कंपनी को जांच ले, कंपनी सही है कि गलत है। हालांकि ऐसे कि हमने भी बहुत देखा है कि कंपनी खराब रहती है, कुछ एजेंट पैसे पाने के चक्कर में भेज देते हैं, तो कुछ बिलखते और रोते नजर आते होंगे, आप किसी वीडियो में जरूर देखे होंगे, ऐसा तो नहीं है दोस्तों नहीं देखे होंगे। फिर बात कर लिया जाए दोस्तों, गूगल पर जाइए, जिस कंपनी में जा रहे हैं, विदेश एक ऐसा कंट्री है जो विदेश, हर कंट्री को विदेश के नाम से जाना जाता है, मोहल्ले में या चाहे गांव में या चाहे पड़ोस में यह शोर हो जाता है कि फलाने के लिए क्या विदेश गए, माना ढेर पैसा पाए, या चाहे कह सकते हैं ढेर पैसा कमाते हैं, पर फलाने के लिए वह जानिए, फलाने ढिकनवे के लिए वह जानिए कि कितना पैसा कमाते हैं, ठीक है दोस्तों। विदेश जाइए, अच्छा खासा पैसा कमाइए, सही बात है, पर दोस्तों अच्छी कंपनी गूगल पर सर्च मारिए, जब किसी एजेंट से मिल रहे हैं किसी भी कंपनी में, किसी भी कंट्री में यदि आप जा रहे हैं, चाहे प्लम्बर के काम हुआ, चाहे दोस्तों टाइल मेसन का काम हुआ, चाहे मेसन का काम हुआ, चाहे फर्नीचर का काम हुआ, किसी भी विभाग के, चाहे पेंटर का काम हुआ, आप काम करने जा रहे हैं दोस्तों किसी कंट्री में, ये जान लीजिए, आपको खुद नॉलेज होना चाहिए कि हाँ ये काम कर सकते हो, फ्रॉड में मत जाइएगा, क्या हमें करना नहीं आता, वहीं चल के सीख लेंगे, ऐसा दोस्तों गलती ना करिएगा। फिर बात कर लिया जाए, एजेंट से मिलिए, उनसे कहिए भाई मैं इस कंट्री में जा रहा हूं, तो
तो आपको वीजा दो दे मतलब वीजा जब देंगे उस वीजे के ऊपर उस कंपनी की पूरी डिटेल लिखा रहेगा, ठीक। आपको एक डॉक्यूमेंट रहेगा जिसपे आपको साइन कराएंगे, जो 2 साल की एग्रीमेंट रहेगा, ठीक है दोस्तों। आपकी फोटोकॉपी एक देंगे और एक फोटोकॉपी यहाँ से मेल कर देंगे वहाँ, ठीक है दोस्तों, विदेश में वो मेल कर देंगे तो आपको टिकट कंफर्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बात कर लिया जाए गूगल पे, जो मतलब जो वीजा पे लिखा रहेगा कंपनी का नाम, गूगल पर सर्च मारे, गूगल पर सर्च मारते यदि वह कंपनी शो कर गया गूगल पर, तो कंपनी फ्रॉड नहीं है, वो कंपनी बड़ी है, क्योंकि बड़ी कंपनी किसी भी कंट्री में जाएंगे तो गूगल पर शो करेगा, ठीक है दोस्तों। यदि आप गूगल पर जब शो कर दिया, जब एजेंट से मिले, तो वह 100% 100% मैं गारंटी कर रहा हूँ कि आपकी परमिट वीजा लेकर जाइए। पैसा अगर नहीं देगी कंपनी, 2 महीने 3 महीने की बाद पैसा देगी कंपनी, नहीं तो आप केस कर देंगे कंपनी पर, तो केस लग जाएगा। तो ऐसे इंफॉर्मेशन जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। मैं देश विदेश टॉपिक पे नए नए इंफॉर्मेशन बताते रहता हूँ। कुछ और जानकारियाँ चाहिए तो आइए कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, मैं जरूर बताऊंगा। और साथ ही साथ एक बात और मैं बता दूं, किसी एजेंट के लगे अपनी पासपोर्ट लगाने से पहले उसे पता करिए कि वो एजेंट फ्रॉड है कि सच में विदेश भेजता है, कि विदेश के नाम पर ही पैसा खाता है। जो एजेंट विदेश भेजते हैं उनके पास एक लाइसेंस है, उसके थ्रू पर विदेश भेजते हैं। पहले पता करिए उनके पास वो लाइसेंस है कि नहीं है। यदि लाइसेंस भी नहीं है तो कुछ ऐसे कंपनियां हैं जिनकी उनको पकड़ है। यदि आप उनको जान रहे हैं फिर भी जा सकते हैं, नहीं जान रहे हैं तो लाइसेंस देखिए है तभी अप्लाई कीजिए, नहीं तो नहीं करिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ, हम नया इंफॉर्मेशन फिर लेकर आएंगे आपके पास। धन्यवाद।